पन्ना जिले के तहसील पवई जन शिक्षा केंद्र पवई के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला केमुरिया का मामला है, जहां पर चलती है शिक्षकों की मनमानी। लेकिन दुख इस बात का है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2010 से प्रभावी तौर पर लागू है और इस अधिनियम के लागू हुए इतने साल हो गए, लेकिन शिक्षा को लेकर जो हमारा सपना था वह कहीं भी साकार होता नजर नहीं आ रहा है। जहां से हम चले थे अगर कुछ बदला है तो वह केवल समय। आज सवाल पूछ रहा है कि आखिर शिक्षा की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? इतने साल बीतने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा अपने हाल पर रो रही है। दरअसल हमारे समाज में प्रतिभा की समझ नहीं रही है। ऐसा ही मामला केमुरिया के लोगों में जागरूक न होने के कारण यहाँ के पदस्थ शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, न ही समय पर स्कूल जाते हैं, न ही समय से बंद किया जाता है, जिसके कारण छात्रों या बच्चों का स्कूल से विश्वास घटता जा रहा है और छात्र संख्या घटती जा रही है। ऐसे में केमुरिया के छात्रों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? दो दिन के भ्रमण के दौरान जब मीडिया कर्मियों को एक दिन केवल दीपक पाठक मिले तो दूसरे दिन केवल अतिथि शिक्षक, जब 3 बजे शासकीय माध्यमिक शाला केमुरिया पहुँचे तो मात्र अतिथि शिक्षक और 2 छात्र मिले। छात्रों ने बताया कि आज 2 शिक्षक आए हैं। शाहनगर से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। ये स्कूल में आपकी यहाँ क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमारे यहाँ मतलब अतिथि, जैसे कुछ कर्मी अतिथि करते हैं, फिर उसके साथ साथ गांव वालों की भी कमी मतलब बाद में पाई जाती है कि मतलब लड़का नहीं भेजते, लड़का आते हैं तो अतिथि मतलब आना कम कर देते हैं, फिर बच्चे आते हैं तो फिर शिक्षक नहीं आते, और फिर जब अतिथि आने लगते हैं तो बच्चे लोग आना मतलब कम कर देते हैं, इसलिए कि सेटिंग बिगड़ जाती है। यहाँ हर चीज सेटिंग से होता है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है सेटिंग, मतलब पहले से जब से स्कूल यहाँ हुई है, जब से मतलब जितने भी अतिथि आए हैं, हर अतिथि के पढ़ाने से मतलब आज कुछ लोग शिक्षित हैं, और मतलब इनके बाद जो मार साहब थे उनके बाद भी मतलब शिक्षित है लड़का, जब से मतलब यहाँ हमारे जो मार साहब मतलब ये लोग आए हैं, चाहे मतलब कोई भी हो या गांव वाले की कमी हो या हमारे साथ हो, कुछ ना किसी की किस्मत की कमी हो, तब से बच्चे नहीं पढ़ पाते मतलब, इसलिए हमारे यहाँ पढ़ाई खत्म हो गई। तब आप लोग शिक्षकों से नहीं बोलते हैं कि सर थोड़ा ध्यान दीजिए? समय से हम बोलते हैं कि मतलब मर्द साहब आओ पढ़ाओ, जब मर्द साहब आते तो लड़का नहीं आ पाते, तो फिर मर्द साहब हम लोगों से कहते कि आप लोगों की कमी है, आप लोग बच्चे नहीं, शिक्षक समय से नहीं आते जी, और सभी शिक्षक आते हैं कि नहीं आते? जी जी आते हैं, मतलब 12 बजे मतलब बाद ही आते हैं यहाँ। आपने बताया कौन शिक्षक सोते हैं यहाँ के? ये दे पटेल। अच्छा जी, पढ़ाते नहीं है जी, आके सोते हैं यहाँ पे जी। आज की सर छात्र उपस्थिति संख्या कितनी थी? 25 थी टोटल सब मिलाकर, 15 PS और 10 MS। अभी आपके सामने बच्चों के द्वारा पूछा गया तो बच्चों ने बताया कुल संख्या 2 थी उपस्थित। वो बच्चे तो पानी भर रहे थे सर, वो इस साला के बच्चे नहीं है, उस साले के बच्चे नहीं है जिससे हम लोग बात कर रहे थे, वो साला के बच्चे नहीं है वो नहीं, आप बता ना, नहीं है वो साला के बच्चे जो जिससे बात कर रहे थे हम, जो वो छोटी बच्ची थी? हाँ, जो छोटी बच्ची दोनों बच्ची से जिनसे बात की, जो सर में गुंडियां रखी थी, वो छात्र साला के बच्चे नहीं है? वो साला के बच्चे नहीं है, अभी आपने बोला नहीं है वो, मतलब सब हम नहीं। मैं जिनको उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ ना, इससे हम लोग बात कर रहे थे। और दूसरी चीज, आपका कहना है कि 25 दर्ज हैं, अभी बच्चों ने क्या बताया? 2 दर्ज हैं कुल, अभी आपके सामने बच्चों से पूछा, कुल 2 आए थे उपस्थित। अब ऐसा है, क्या बताएं, क्या कहेंगे समाज में? सच्चाई हो वो बताएं, सच्चाई बताएं ना आप, सच्चाई। 25 आए थे, रजिस्टर में एंट्री है आपके, आपको रजिस्टर बोल रहा है या बच्चे बोल रहे हैं? अच्छा, अब हम लोग भी जैसे आए, हमें तो एक भी बच्चा आपके विद्यालय में नहीं मिला। 3 बजे के समथिंग जो है कोई भी बच्चा नहीं है, स्कूल पूरा आपका प्रांगण खाली है और आपके टीचर भी नहीं है। तो आपको बिजी थे आज, इनका त्योहार नहीं, ऐसे स्कूल से क्या संबंध है? स्कूल से संबंध क्या, हम लोग बैठे हैं, अगर वो बच्चे चले गए तो क्या करें बताओ, किसी के बच्चे को घसीट कर ला है। टीचरों को भी मतलब आप ही अतिथि में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, बाकी जो परमानेंट है वो तो अब मतलब है ही नहीं, वो आए थे और बैंक काम से गए, तो एक टीचर का हो गया, दूसरे का? दूसरे वो सुबह मतलब आए और 1 बजे की तरफ मकर संक्रांति के त्योहार की वजह से हाफ डे की छुट्टी लेकर हेडमास्टर से चले गए। आपने नहीं मनाई मकर संक्रांति? आपका भी तो त्योहार होना चाहिए। वैसे अगर सब लोग मनाएं, अगर बच्चे आज बैठे रहते, अगर त्योहार नहीं मनाते, मतलब कुल मिला के जो यहाँ पे एक
एक टीचर की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, बाकी लोग कोई भी त्यौहार, कोई भी बहाना, कोई भी शासकीय कार्य से अपना काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम भाई आपका? कहाँ से हैं, कौन से गांव से? आप रसोई में खाना कहाँ बनाती हैं? स्कूल का नाम पता नहीं। ग्राम बता दो, ग्राम बस बता दो, गांव का नाम बता दो। कैमूरिया में। आज मकर संक्रांति के दिन कितने बच्चों का खाना बना है? दो बच्चों को, और बच्चे नहीं आए थे। कल कितने बच्चों को बनाया था? जो कल 3 बच्चे आए थे, कल 15 बच्चे रहे, आज गुरती रहे सुबह। हाँ, मतलब कल दो, आज दो बच्चों का बना है ना, कल दो ही बच्चे आए, दो ही बच्चे आए, कल दो ही आए, दो इनके बनाए। अच्छा, तो वही ये मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर की मजदूरी करते हैं। पद क्या है, आप कुछ पद में हैं, अध्यक्ष हैं, आपको बता रहे थे ना कि कितने टीचर मिले आपको? एक, क्या नाम है उनको? चलो नहीं है पता आपको ना, यहाँ का रवैया ऐसे ही चलता है। आप अध्यक्ष होने के नाते कुछ बोलते नहीं हैं, आपके यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे बोलते नहीं हैं कि सर समझ से आओ, समझ से आए आप? अरे हम कहा समझे सर जी, उनकी समझ में नहीं आ पाते। खूब समझाते हैं आप। क्या नाम बताया आपने अपना? हम हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।